Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is serial in parallel out shift register. मतलब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिफ्ट रजिस्टर का नेक्स्ट मोड जो कि सीरियल इन और पैरेलल आउट SIPO पे काम करेगा. लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस द सीरियल इन सीरियल आउट लेफ्ट शिफ्ट मोड. ठीक है, तो इसमें क्या है, नाम में ही दिया हुआ है. सबसे पहले डेफिनेशन नोट करेंगे. In this mode of shift register, the data is entered serially. Data is entered serially and taken out in parallel form. पैरेलल फॉर्म. जिनको सीरियल फॉर्म और पैरेलल फॉर्म डाटा कैसे ट्रांसफर करते हैं ये नहीं पता है, वो मेरी जो वीडियो है इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर्स उसमें पढ़ सकते हैं. उसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि कैसे दो मोड्स होते हैं डाटा फॉर्मेट के, सीरियल मोड एंड पैरेलल मोड. तो उसमें हमने ये बात की है कि बेसिकली इस टॉपिक में हमने ये बताना है कि डाटा कैसे शिफ्ट रजिस्टर में सीरियली इनपुट हो रहा है और कैसे हम उसको पैरेलली आउटपुट ले रहे हैं. नाउ इसका अगर डायग्राम यहाँ पे बनाओ तो वी नीड फोर फ्लिप फ्लॉप्स. कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे फॉर शिफ्ट रजिस्टर, दैट आर डी फ्लिप फ्लॉप्स. तो चार यहां पे मैं फ्लिप फ्लॉप्स बनाने वाला हूं. जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे उतने नंबर ऑफ बिट्स यहां पे स्टोर होंगे, डी जीरो. अब डाटा सीरियली हम भेज रहे हैं राइट, तो दैट मीन्स जो क्यू है हमारी, जैसे ये फ्लिप फ्लॉप वन है, ये फ्लिप फ्लॉप टू है, ये फ्लिप फ्लॉप थ्री होगा. इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी राइट. इसको जीरो मानते हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम अपना फ्लिप फ्लॉप का नाम, जीरो वन टू एंड थ्री राइट. डी जीरो और क्यू जीरो से यहां से आउटपुट जो है वो जाएगी डी वन को, क्यू वन से डी टू को, क्यू टू से डी थ्री को. ठीक है जी. और जो हमारी आउटपुट हमने पैरेलल फॉर्म में आउटपुट लेनी है तो क्यू वन क्यू जीरो से आउटपुट भी आ जाएगी, क्यू वन से, क्यू टू से एंड क्यू थ्री से. ये हमारी पैरेलल आउटपुट आएगी इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल. पैरेलल आउटपुट्स राइट, यहां पे क्यू जीरो, यहां पे क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू थ्री. अब हमने देना है क्लॉक सिग्नल. यहां से हम सीरियल डाटा देंगे. सीरियल डाटा के लिए एक ही पिन चाहिए हमें, सीरियल इनपुट, दैट इज डी इन राइट. अब हमने क्लॉक सिग्नल देना है, तो क्लॉक सिग्नल इसके साथ ही बनाएंगे. वो मैं थोड़ा सा कलर्ड शेप आपको अलग कर देता हूँ. अब जैसे हमने नेगेटिव एज ट्रिगर देना है तो यहाँ पे बबल लगा के चारों को कॉमन क्लॉक सर्किट देंगे हम. जी दिस इज अवर क्लॉक. राइट, अब जैसे जैसे क्लॉक पल्स आएगी क्या होगा, यहां पे मैं आगे डेफिनेशन नोट कर रहा हूं. ये आप डायग्राम बना लीजिए इसका SIPO का. अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो हम इस तरह इसका डायग्राम बना के इसको डिफाइन करेंगे. अब नेक्स्ट लाइन यहां पे मैं लिख रहा हूं, इन दिस At first की जगह initially लिख दो. Initially, the data is loaded bit by bit. The outputs are disabled
एज लॉन्ग एज द, एज लॉन्ग एज द लोडिंग इज टेकिंग प्लेस. अब हमने डाटा एट ए टाइम सारा लेना है ना, तो एट ए टाइम लेने के लिए जब सीरियली डाटा इनपुट दे रहे हैं फर्स्ट क्लॉक पे हम क्या करेंगे, अभी आउटपुट जो हम ले रहे हैं दैट इज नॉट इनेबल्ड. ठीक है, आउटपुट हमने नहीं लेनी, यहाँ से डाटा सीरियली देना है. जैसे 1010 सबसे पहले ये 1 भेजेंगे इधर, ठीक है 1 भेजेंगे तो ये पहली क्लॉक साइकिल पे यहाँ पे 1 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद बाकी अभी इनेबल नहीं हुए, राइट. और नेक्स्ट पे जब दूसरी भेजेंगे तो ये जो डाटा है ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा डी इन से, ठीक है, और ये वाला जो डाटा है 0 ये यहाँ पे आ जाएगा. फिर थर्ड पिन में मतलब हमें 4 क्लॉक पल्स चाहिए इसको चारों आउटपुट पे डाटा देखने के लिए. ठीक है, हमें चारों पे एस, यहाँ पे आगे मैं लिख रहा हूँ इससे पता चलेगा आपको, एस सून एस द लोडिंग इज कंप्लीट all the flip flops and all the flip flops contain their required data the output are enabled so that the loaded data is made available over all the input lines, all the output lines simultaneously. अब पैरेलल फॉर्म का मतलब ही ये होता है कि हमें चारों पिन्स पे साइमल्टेनियसली डाटा चाहिए. ठीक है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम चारों डाटा पे, चारों आउटपुट्स पे डाटा जो है हमारा आ जाए वही जो हमें चाहिए. सो द नंबर ऑफ क्लॉक साइकल्स रिक्वायर्ड टू लोड ए 4-bit वर्ड इज 4. हमें 4-bit, 4 क्लॉक साइकिल चाहिए 4 बिट्स को कवर अप करने के लिए, राइट. अब इसकी जो स्पीड है वी नो दैट सीपो स्पीड इज इक्वल टू SISO स्पीड. अब बेसिकली उसमें भी क्या था, सीरियल इन सीरियल आउट में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, 1 बिट देते थे देन एक फ्लिप फ्लॉप से डाटा ट्रांसफर हो जाता था दूसरे पे, दूसरी मतलब उसको 4 क्लॉक साइकिल चाहिए थे कंप्लीट डाटा आउटपुट लेने में. और SIPO में भी सेम है बिकॉज डाटा सीरियल इन हो रहा है और हमें 4 क्लॉक साइकिल चाहिए ताकि चारों पैरेलल, चारों फ्लिप फ्लॉप्स में पैरेलल डाटा हमें दिख सके. ठीक है, तो बोथ आर हैविंग सेम स्पीड. ठीक है, और कितने क्लॉक साइकिल चाहिए हमें टू कंप्लीट द डाटा, टू गेट द डाटा आउटपुट इन पैरेलल फॉर्म, वी नीड 4 क्लॉक साइकिल्स हियर. ठीक है, सो दिस वाज SIPO. 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए तो आपने इसका डायग्राम याद रखना है और इसमें जो बनाया हुआ है, जो अभी वर्डिंग लिखी है ये सारी लिख के आनी है. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन सेशन में. थैंक यू.